नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना समीर परवेज और आप देख रहे हैं अपना चैनल फन टीवी न्यूज। चलिए डालते हैं आसपास की क्षेत्र की और तमाम खबरों पर नजर। जसपुर पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गौरव जसवाल बजेला ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा राज में बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहा है। मोदी ने देश में अच्छे दिन आने की बात कही थी, बुरे दिन आ गए, लोग परेशान हैं। उन्होंने यूथ कांग्रेसियों से घर घर जाकर भाजपा की विफलताओं को बताने एवं अपने बूथों को मजबूत करने की बात कही। बजेला ने कहा कि हर बूथ पर कांग्रेस के हर विंग में दो दो लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया कि वह पूरे प्रदेश में घूम घूम कर आने वाले 2022 के चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं पूरे कुमाऊं को भ्रमण कर आज जसपुर में आया हूं और कैसे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले जो हमारे 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें मिलजुल कर कांग्रेस को मजबूत करने का कार्यक्रम करेंगे, काम करेंगे। उस विषय में बात करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक करने के लिए जसपुर आया हूं। हमारे प्रयास है कि हर बूथ पर कैसे हमारी यूथ कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, कांग्रेस के पूर्व की सरकार में कांग्रेस के किए हुए कार्य को लोगों को बताएं। और जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को निराश करने का काम किया है, उनकी रोजी रोटी के साथ व्यवहार करने का काम किया है, आप देख रहे हैं। एक महीने से ज़्यादा समय हो रहा है दिल्ली में किसान आंदोलन। हमारे उत्तराखंड से भी 2500 जो हमारे त्राई क्षेत्र है 2500 किसान दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और दिसंबर और जनवरी की स्थिति भी ठंड में उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इनकी जो निरंकुशता है जनता को लेकर, मजदूर महिलाओं को लेकर, किसान को लेकर और सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर, उस विषय पर बात करने हम बूथ पर जाकर जो है युवा कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। फन टीवी न्यूज पर अपने क्षेत्र की आसपास की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर फन टीवी न्यूज टाइप करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।